saiyo. काकी आप जाइए, मेरी फिक्र मत कीजिए. साई ने कहा है ना, ये मेरी लड़ाई है, मुझे खुद ही लड़नी होगी. कानू जी को देखकर सोचा नहीं था उसकी बीवी इतनी सुंदर होगी. हाँ, चचुंदर के सर पे चमेली का तेल. घूंघट मुझे नहीं लगता कि जरूरी है. शाबाश, ऐसे ही अपने इरादे पर अटल रहना. ओम साई राम. ये हयात तो तुम थी ही, तो तुम्हारे दिल से हमारा डर भी चला गया. एक तो आधी रात से बिना बताए घर से बाहर थी और ऊपर से निर्लज की तरह बिना घूंघट. सबको अपना चेहरा दिखाना जरूरी था क्या? और जब महारानी से घूंघट डालने के लिए कहा तो सबके सामने जुबान लड़ा रही थी मुझसे. माफी मांगने के बजाय उस फकीर का नाम लेने से बात नहीं आ रही हो तुम. उस ढोंगी को भगवान का दर्जा दे रही हो तुम. साई कहते हैं जिसका मन सच्चा होता है उसमें श्रद्धा और सबूरी रहती है. डर और शर्मिंदगी नहीं. बेशरम औरत आधी रात घर से बाहर थी और अब खुद को निर्दोष साबित करने का नाटक कर रही है. क्या तू भूल गई पत्नी की जगह अपने पति के चरणों में होती है? आज तक मैं हमेशा खानो जी को शांत करा देती थी, लेकिन आज तो मैं भी इसे नहीं रोकूंगी. लातों के भूत बातों से नहीं मानते. गलती मेरी ही थी आई, कल रात को ही इसे सबक सिखा देना चाहिए था, नहीं तो ये नौबत ही नहीं आती. सही कहा है किसी ने, जर जोरो जमीन बिना मरम्मत करे नहीं मानते. आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि लोग देखकर डरेंगे. साई राम, अगर उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया तो जो मैं आपको बताऊंगा वो उनसे कहिएगा. मारना है मार लीजिए, मैं रोकूंगी नहीं. लेकिन उससे पहले एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखिए, उसमें देखने के बाद फिर भी आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आपको जितना मारना है आप उतना मार सकते हैं. मैं उफ तक नहीं करूंगी.
कानू जी? इसकी आंखें, उसमें मैंने कुछ देखा, मेरा चेहरा। हाँ तो तेरा ही चेहरा दिखेगा ना? नहीं। क्या हुआ कानू? बताना क्या हुआ? आई अच्छे से देखकर बताइए, मेरे चेहरे को क्या हो गया? आई कुछ नहीं हुआ है तेरे चेहरे को बेटा, तेरा चेहरा जैसे पहले था वैसा अब भी है। तो ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसी बदहवासी में बातें क्यों कर रहा है? बताइए तो आई मेरे चेहरे को क्या हुआ? होश में आ कान्हा जी, होश में आ। मैं होश में हूँ आई, अब सच क्यों नहीं बोल रही है? मैं सच ही कह रही हूँ मेरे बच्चे। नहीं आई, आप झूठ बोल रही हैं। उसी तो मैंने उसी दिन फेंक दिया था। देखता हूँ मुझे मेरा चेहरा राक्षस जैसा दिख रहा है। पानी में आपकी आंखों में दिखा, सुशीला की आंखों में दिखा, सब जगह दिख रहा है, सब जगह मुझे राक्षस जैसा मैं दिख रहा हूँ। कानू जी कैसे समझाऊं तुझे, तू जैसा था वैसा ही है, तुझे वहम हो गया मेरा बच्चा। शांत हो जा, ये सुचिरा के वजह से तू परेशान है, इसलिए ये सब हो रहा है तेरे साथ। नहीं आई, वहम नहीं हो रहा है मुझे आई, आप मानिए ना मानिए मुझे कुछ हो रहा है आई। आओ, अगर आपको ज्यादा बेचैनी हो रही है तो हम साई के पास चलते, वो सबकी मदद करते हैं। आओ चुप, उसका नाम मत लेना। गाना ये देखिए बाबा, जल्दी जल्दी के चक्कर में हम दोनों साथ में जाकर ये आईना लेकर आए। अब जरा आईने में देखो क्या नजर आता है। सरकार, सरकार मुझे आपकी मदद चाहिए सरकार।
ये मुंह और मसूर की दाल है, मदद चाहिए तुझे? मत भूल कि तू सरकार का एक मामूली नौकर है, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू सरकार को इस तरह परेशान करे। चल जा यहां से। मैं यहां सरकार के सेवक के रूप में नहीं आया हूं, बल्कि उनकी प्रजा के रूप में आया हूं, जो अपने राजा से मदद चाहता है। कहा ना अभी नहीं, देख नहीं रहा कि सरकार व्यस्त है? चल जा यहां से, क्योंकि सरकार को समय निकालना होगा, क्योंकि एक वही है जो उस फकीर को सबक सिखाने में मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे उस फकीर पर इतना गुस्सा हो रहा है कि मैं उसका खून तक कर सकता हूं। हरिओम, बड़े समय बाद कोई मिला है जिसे उस पाखंडी के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। हम दोनों एक साथ ही आईना पकड़े खड़े हैं। सही कहा तुमने, तुम दोनों एक साथ। जब तुम द्वारका माई आए थे तब तुमने इस गरीब को देखकर मुंह बनाया था, जैसे वो तुम्हारे लिए तुच्छ था, तुम्हारी बराबरी का नहीं था। लेकिन अगर इसकी जानकारी और इच्छा नहीं होती तो तुम अपनी सारी दौलत लुटाकर भी इतने कम समय में आईना नहीं ला पाते। तुम्हारा धन इसके बिना बेकार था, फिर घमंड किस बात का? संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये केवल एक गलत फहमी है जो हमारे अहंकार से उत्पन्न होती है। असली धनवान वो नहीं जिसके पास दौलत हो, असली धनवान वो है जो मन से धनवान हो, जो सबको बराबर समझे, जो सबको बराबर इज्जत दे। तुम मुझसे मिलने इसके साथ नहीं आना चाहते थे, लेकिन जब बात स्वार्थ की निकली तो तुमने आईना लाने के लिए इसे अपने साथ ले जाना उचित समझा। तुम्हारे मन में श्रद्धा सच्ची नहीं थी, लेकिन इसके मन में थी, और इसीलिए इसे ना तुम्हारे साथ मुझसे मिलने में झिझक थी और ना ही तुम्हारे साथ आईना लाने में। तुम्हारी अमीरी ने तुम्हें स्वार्थी बना दिया और ये गरीब होकर भी निस्वार्थ रहा, ये तुमसे कहीं ज्यादा धनवान है। साईं बाबा, मैं याद रखूंगा, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं। तो मुझे माफ कर दो भाई। कोई बात नहीं सेठ जी। राम जी भला करे। क्या किया उस पाखंडी ने तुम्हारे साथ? सरकार, उसने मेरी बीवी पे काला जादू किया है, उसने उसे घूंघट हटाकर घुमाने की कोशिश की है, वो मेरी बात तक नहीं सुनती है। डर खत्म हो गया उसके अंदर से मेरे लिए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं सरकार, उसने सब कुछ तबाह करके रख दिया है मेरा। हरिओम हरिओम। ये तो बिल्कुल अनुचित है, लेकिन तुझसे चूक हुई है कानो जी। तुमने उस पाखंडी के अपराधों का दंड अपने पत्नी को दिया,
अरे वो तो स्वयं शिकार है उसके काले जादू की। मतलब मेरी पत्नी निर्दोष है, रासनी अपराधी, मेरा गुनहगार वो ढोंगी साई है। अर्थात काश मैं तुम्हारे लिए उस पाखंडी को दंडित कर पाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये तुम्हारी पारिवारिक समस्या है। यदि मैं हस्तक्षेप करूंगा तो गांव वाले ये सोचेंगे कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, अपने सेवक का पक्ष ले रहा हूं। लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि अपने परिवार की मान मर्यादा की रक्षा करने का तुम्हें पूरा अधिकार है। जाओ, जो करना चाहते हो वो करो, इसके लिए तुम्हें कोई दोषी नहीं ठहराएगा। और पति होने के नाते अपनी पत्नी की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य भी है। जाओ कानो जी, जाओ, उस पाखंडी को ऐसा पाठ पढ़ाओ, ऐसा दंड दो कि ये समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाए। जाओ। आप सही कह रहे हैं सरकार, उस फकीर को नहीं छोड़ूंगा मैं। संता जी, इसके पीछे जाओ और आशा करता हूं इस बार तुम मुझे वो समाचार सुनाओगे जो सुनने के लिए मेरे कान बरसों से तरस रहे हैं। जी सरकार। कानो जी अभी तक नहीं आया, बहुत गुस्से में था, कहीं कुछ कर ना बैठे। भगवान मैं क्या करूं। ईश्वर, साई ने जो मुझे उम्मीद दी है उसे टूटने मत देना। बेहया, इतना सब होने के बाद भी तेरी आंखें नहीं खुली? पता नहीं मेरा बेटा कहां चला गया है और अब भी तू साई के गुणगान कर रही है। उस साई के बारे में कानो जी ने मुझे सब कुछ बताया है। जरूर तेरे शिकायत करने पे उसने मेरे बेटे पे काला जादू किया है। नहीं सासू भाई, साई किसी का भी अहित नहीं करते हैं। वो तो बस इतना चाहते हैं कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। क्या, कानो की गलती? क्या गलती थी उसकी कि उसने खुद से सुंदर लड़की के साथ शादी की? अरे तुझसे प्यार करता था वो,
लेकिन लोगों ने तेरे रंग रूप को देखकर उसे ताने मारने शुरू कर दिए। क्या क्या नहीं कहा लोगों ने उसे, कितना बर्दाश्त करता वो। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है, कब तक सुनेगा मेरा बेटा, कब तक सहेगा। भांतिये, लोगों ने जो किया वो गलत किया, लेकिन सासू भाई इसमें मेरी क्या गलती है। क्या आपको नहीं लगता कि उन तानों ने जितना दर्द उन्हें दिया है उतनी ही पीड़ा मुझे भी पहुंचाई है। अगर तुझे पीड़ा होती, मेरे बेटे के दर्द का ख्याल होता, तो तू एक ही गलती बार बार नहीं दोहराती। ऐसा कोई काम नहीं करती जिसे लोगों को मौका मिले, लेकिन नहीं, तू ये सब जानबूझकर करती है। लेकिन सासू भाई मैं ऐसा क्यों करूंगी। क्योंकि तू खुद को मेरे बेटे से बेहतर समझती है और लोगों से भी यही कहलवाना चाहती है। और या भागन, जब से तू इस घर में आई है, मेरा बेटा एक दिन चैन से नहीं रह पाया है, और तू उसी को दोष दे रही है, कह रही कि उसे गलती का एहसास होना चाहिए। आप दोनों को ये गलत है। चुप, एक शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ मैं तेरे मुंह से। मेरे बेटे को अपमानित करने का एक मौका तक नहीं तूने छोड़ा है। पहले तेरे रूप ने उसे परेशान कर दिया, अब तेरी भक्ति उसे बर्बाद कर रही है। और अब न जाने क्या किया है तूने उसके साथ, वो घर छोड़कर निकल गया है। उसे अपना चेहरा राक्षस जैसा लग रहा है। मैं तुझे अपने बेटे को बर्बाद नहीं करने दूंगी। अब मैं तेरे साथ वो करूंगी जो मेरे बेटे को बहुत पहले करना चाहिए था। कर रही है, जब ये सुलगती हुई लकड़ी तेरे बदन से सटेगी, तब तू ही नहीं, तेरी आत्मा भी डर से चिखेगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, Sai Ram, Om Sai Ram, Om. आज मैं तेरी खूबसूरती को हमेशा हमेशा के लिए बदसूरती में बदल दूंगी। Om Sai Ram. मैं तेरी खूबसूरती को हमेशा हमेशा के लिए बदसूरती में बदल दूंगी। साई राम, ओम 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 साई राम।
पता नहीं कहा कि सासू भाई को क्या हो गया अचानक से। हमें इन्हें जल्द से जल्द साई के पास ले जाना चाहिए। साई, इनकी मदद कीजिए, मेरी सासू भाई को बचा लीजिए साई। निकाल, आज मैं तेरा सारा काला जादू निकालता हूं, निकाल बाहर। कानो जी, ऐसी बदतमीजी, मैं इसे अभी देखता हूं साई। रुको तत्य, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। पाखंडी, इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा अक्सर इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन मेरे गुस्से ने मेरी आंखें खोल दी है, अब मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूं। इतना साफ और स्पष्ट कि अंदर अपनी लकवाग्रस्त आई को भी देख सकते हो। पता नहीं कैसे अपने आप गिर पड़ी आई। साई, साई इनकी मदद कीजिए। ऐ फकीर, क्या किया तूने मेरी आई के साथ? आई कैसे हुआ? आई आओ शांत हो जाइए, साई है जो इनकी मदद कर सकते, इन्हें बचा सकते हैं। ये पाखंडी। कान्हो जी, कुलकर्णी सरकार के यहाँ काम करके उनकी भाषा बोल रहे हो तुम। हमारा विश्वास करो, साई सिद्ध है, पाखंडी नहीं। केवल साई ही तुम्हारी आई को ठीक कर सकता है। नहीं बाईजा मां, इस बार मैं असमर्थ हूं। मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता था तुम यही कहोगे, और मुझे यह भी पता है कि मेरी आई की इस स्थिति के लिए तुम जिम्मेदार हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे आई को कुछ भी हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। कानो जी, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जी में जो है वो साई को बोल दो। अपनी हद में रहो। सबूरी तात्या, कानो जी इस वक्त अपनी मां को लेकर चिंतित है, परेशान है। साई, उनका इलाज कर दीजिए ना, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि आप वास्तव में क्या है। मेरे पति को भी पता चल जाएगा कि आपके दिल में बस प्रेम, करुणा और दया है।
अगर मेरे वश में होता तो मैं जरूर कर देता माई, लेकिन ये आपके वश में है। जो कर सकती हैं आप कर सकती हैं। कानू जी को आपके प्यार और दया को देखने की, समझने की आवश्यकता है। आप हमेशा से एक आदर्श पत्नी, आदर्श बहू रही हैं, लेकिन फिर भी आपको ही दोषी ठहराया जाता रहा। वो भी दूसरों की कही हुई बातों के कारण। आपकी सासूबाई को आपकी पीड़ा का एहसास आज हुआ है। वो दर्द जो आप सालों से अपने अंदर रखे झेल रही हैं, आपकी सासूबाई को वो दर्द आज महसूस हुआ पहली बार। लेकिन ये उस दर्द की तीव्रता झेल नहीं पाई और इसीलिए इन्हें लकवा मार गया। ये रो रही है साई, क्या ये अभी भी दर्द में? हाँ, लेकिन दर्द भावनात्मक है। क्योंकि इन्हें यह एहसास हो चुका है कि आपकी बुरी स्थिति के लिए ये भी जिम्मेदार हैं। ये चाहती तो अपने बेटे को रोक सकती थी, समझा सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को सही रास्ता दिखाने के बजाय उकसाया। और अब जब ये कुछ करना चाहती है कर नहीं सकती। आई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। साई ने कहा है ना, अब आपको ठीक करना मेरे वश में। मैं आपसे वादा करती हूँ आई, मैं दिन रात आपकी सेवा करूंगी, आपकी मालिश करूंगी। मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगी आई, आप ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ कानू जी, रुक क्यों गए?
मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, वही दिखा रहा हूं जो तुम दिनों दिन बनते जा रहे हो। अपने गुस्से को अपने क्रोध पर हावी होने दे रहे हो। गुस्सा जो इंसान से उसका विवेक, उसकी संवेदना सब छीन लेता है, उसे राक्षस में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए तुम बार बार अपने में उस राक्षस को देख रहे हो। तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुम अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे और आज उसी पत्नी की हत्या वो राक्षस करने जा रहा था। और तो और, उस राक्षस को देखकर तुम्हारी मां भी भयभीत है। नहीं, नहीं, मैं कोई राक्षस नहीं हूं। ये सब तुम्हारा जादू है। मेरे साथ ये सब तुम कर रहे हो। ये तुम्हारा काला जादू है। मेरी आई तो मुझसे प्यार करती है। मैं राक्षस नहीं हूं। ये आईना झूठा है। अगर ऐसा है तो इस आईने में अपने आसपास के लोगों को देखो। अपनी आई को देखो। क्या तुम्हें उनका भय दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, नहीं, ये तो राक्षस है। ये मेरा बेटा नहीं है। मैंने इस राक्षस को जन्म नहीं दिया। नहीं, ये खौफ सिर्फ तुम्हें उस रूप में देखने के कारण है। अपनी पत्नी को देखो। दूसरे लोग उसे तुमसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विवाह के समय पति अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पत्नी को वचन देता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, उसे सदैव खुश रखेगा। फिर वो पति ही अपनी पत्नी की खुशियों का दुश्मन कैसे बन जाता है? क्यों ऐसे हालात हो जाते हैं कि पत्नी को उस पति से ही रक्षा की जरूरत पड़ती है? तुम्हें चार बातें गैरों ने सुनाई। सजा तो तुम्हें उन लोगों को देनी चाहिए थी, लेकिन तुमने सजा इस बेचारी को दी। ये कहां का इंसाफ है? कहां तक उचित है? तुम सोच रहे होगे ये तुमसे कैसे हुआ। ये जो भी हुआ वो सब तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ। इंसान जब अभिमानी बन जाता है तो आलोचनाओं को सहने में असमर्थ हो जाता है। तो अपना गुस्सा अक्सर उन लोगों पर निकालता है
जो पलटवार नहीं कर सकते। पति अपनी अहम की तुष्टि के लिए पत्नियों पर जुल्म करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, लेकिन क्या ये अहंकार हमारी जीवन की खुशियों से ज्यादा महत्व रखता है? हर व्यक्ति को एक घर की चाह होती है, ताकि बाहर उसके साथ जो भी हो उसे पता है कि लौटने के लिए उसके पास घर तो है, जहां उसे प्यार मिलेगा, अपनत्व मिलेगा, खुशी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। कानू जी, बाहर तुम्हारे साथ जो भी हुआ, लेकिन घर के अंदर नाखुशी लाने के लिए कौन जिम्मेदार था? क्या वो तुम नहीं थे? आखिरी बार तुमने अपने घर में खुशी कब महसूस की? अब तुम ही बताओ, अगर अहंकार के कारण हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, तो क्या इस अहंकार का जीवन में स्थान होना चाहिए? वैवाहिक जीवन तब सुखी होता है जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें। नहीं, ये सब उन रिश्तों में होता है जहां बराबरी हो। अरे यहां तो मेल ही नहीं है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुशीला खुद को मुझसे श्रेष्ठ समझती है। इसे तो उस वक्त खुशी मिलती है जब लोग इसकी तारीफ करते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बाहरी सुंदरता की वजह से? बाहरी सुंदरता सब कुछ नहीं है, सुंदरता अंदर से आती है। तुम उस समय को याद करो जब तुम दोनों बहुत छोटे थे, जब इन सब की शुरुआत नहीं हुई थी। क्या ये तुमसे खुश नहीं थी? शीला ने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों की बातें सुनकर तुम पहले वाले कान्होजी नहीं रहे। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो केवल तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी आई को अपनी आई की तरह चाहती है। सोचो, अब भी समय है। क्या तुम इसे प्यार के बदले प्यार दोगे या
या सजा। नहीं, ये सच नहीं है। मुझे पता है कि सुशीला मुझसे प्यार नहीं करती है। मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं उसे डरा कर नहीं रखता तो शायद वो मुझे छोड़कर भाग जाती। अगर ये तुम सभी से प्यार नहीं करती तो तुम्हारी आई को इस हालत में देखकर तड़प बिलक नहीं रही होती, जबकि भागीरथी जी तुम्हारी पत्नी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते आ रही है। और आज जब तुम्हारी आई लकवाग्रस्त हुई, उस क्षण से पहले इन्होंने जलती हुई लकड़ी से सुशीला को जलाने की कोशिश की। तुमने अपनी पत्नी को गलत समझा कान्हो जी, उसे श्री कृष्ण की उपासना करने से रोका, ये सोचकर कि वो तुम्हें परोक्ष रूप से उलाहना देती है, जबकि सच ये है कि ये श्री कृष्ण के रूप में तुम्हें ढूंढती है, क्योंकि तुम दोनों का नाम एक है। ये तुम में भगवान को ढूंढने की कोशिश करती रही है। प्यार की इसके अलावा कोई और परिभाषा होगी कान्हो जी कि कोई तुम में भगवान को ढूंढे? श्री कृष्ण के रूप में तुम्हें ढूंढती है, क्योंकि तुम दोनों का नाम एक है। ये तुम में भगवान को ढूंढने की कोशिश करती रही है। प्यार की इसके अलावा कोई और परिभाषा होगी कान्हो जी कि कोई तुम में भगवान को ढूंढे? हो सकता है कि तुम्हें भी पछतावा होता हो, औरों की तरह तुम भी सोच रही होगी। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं, और क्या। अरे कृष्ण जैसे खूबसूरत भगवान की पूजा करना तुम्हारे अंदर की लालसा को दर्शाता है। भी अपने बेटे को समझा सकती हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि आपके बेटे ने किस तरह एक के बाद एक गलतियां की। सभी मां बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा लाड़ प्यार और अनुशासनहीनता से बच्चों में एकाधिकार, हक और अहंकार की गलत भावना घर कर जाती है। बच्चे औरों के साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। और आप ये बात समझ चुकी हैं।
जो भी हुआ उसे पश्चाताप से ही सुधारा जा सकता है। आपकी बहू के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है और वो सिर्फ आप कर सकती हैं। आप अपनी बहू को खुशी दे सकती हैं। इसका खोया हुआ सम्मान इसे लौटा सकती हैं। केवल आप ही ये कर सकती हैं। आपकी बहू के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है और वो सिर्फ आप कर सकती हैं। आप अपनी बहू को खुशी दे सकती हैं। इसका खोया हुआ सम्मान इसे लौटा सकती हैं। आपकी बहू के लिए जो प्यार है आपके मन में उसमें कितनी शक्ति है। मुझे माफ कर दो। ऐ सासु भाई, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तो मेरी आई समान है। साई ने जो कहा वो सब सच है बेटा। गलती हमारी थी। तूने दूसरों की बातों को दिल पे लगा के बहू को सजा दी और मैंने
मैंने भी वो तुझे सब करने दिया। मुझे तो तुम्हें रोकना चाहिए था, डांटना चाहिए था। मैं डर गई थी बेटा, मुझे लगा कि कहीं तो अपनी सुंदर बीबी से बहुत ज्यादा जुड़ जाएगा, प्यार करने लगेगा तो अपनी आयु को भूल जाएगा। उसके प्यार को भूल जाएगा, अपनी आयु को अनदेखा करेगा। इसलिए मैंने अपने स्वार्थ के लिए सच का साथ नहीं दिया। लेकिन बेटा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हमारी सुशीला बहुत अच्छी है। आज जब मैंने इसे जलाने की कोशिश की, उस समय मेरा शरीर अकड़ गया और जिस लकड़ी से मैं उसे जलाने वाली थी उससे मैं खुद जलने वाली थी। लेकिन इसने अपने हाथ को जलाकर मुझे बचाया। मेरी बहू बहुत नेक है, ये तेरे मेरे जीवन में ईश्वर का एक वरदान है। तू सच्चे दिल से सुशीला से माफी मांग ले, मेरा विश्वास है ये तुझे माफ कर देगी, ये माफ कर देगी तुझे। कान्हू जी, ताने मारने वाले गलत हैं, लेकिन उन तानों से आहत होकर उसकी सजा किसी और को देने वाले ने भी तो सही नहीं किया ना। तुम मुझे माफ कर पाओगी? माफी के लायक नहीं हूं। एक मौका मुझे दे दो, एक मौका। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए उतना ही बहुत है। अब रोकर मेरा दिल मत दुखाइए। गया हाथ से सरकार को बताना पड़ेगा। साईं, आप भी माफ कर दीजिए मुझे। जब माई ने तुम्हें माफ कर दिया
तो मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? साई, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। मैं जानता हूँ आप अपने बेटे से बेहद प्यार करती हैं, पर आपको ये स्वीकारने की भी जरूरत है कि आपके बेटे की कुछ जिम्मेदारियां अपनी पत्नी की तरफ भी हैं। मां का स्थान कोई नहीं ले सकता, बेटे के जीवन में मां की जगह अलग है और पत्नी की अलग। मां को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहू के आने से उसके लिए उसके बेटे का प्यार कम हो जाएगा, बल्कि उसे ये सोचकर खुश होना चाहिए कि बहू के रूप में उसे प्यार करने के लिए एक बेटी भी मिल गई है। मैं समझ गई साईं, आज से मैं सुशीला के साथ एक बेटी की तरह व्यवहार करूंगी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है माई, मैं सब समझ गया। साईं, मैंने फैसला किया है, मैं हालात से डरकर अब भागूंगा नहीं बल्कि उसका सामना करूंगा। इसीलिए हम लोग अब अपने गांव वापस जाएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। जरूर जाओ, लेकिन भेंट स्वरूप मेरी एक निशानी साथ ले जाना। मैं चाहता हूं कि मेरी माई के पास कपिला रहे, और हां, माही को दही बेचने से रोकना मत। माही की दही की मिठास से सबका मन खुश हो जाएगा। साई, ऐसे दही का क्या फायदा? मैंने तो आपको रोज दही खिलाने का वचन दिया था ना, यहां से लौटने के बाद वो वादा कैसे पूरा होगा साई? जब आप अपने गांव जाएंगे तब क्या श्री कृष्ण को भोग चढ़ाना बंद कर देंगे? नहीं ना, उन्हें चढ़ाएंगे तो मुझ तक भी पहुंच जाएगा। से कोई नहीं बचा सकता है, ये तुम्हारा कृष्ण भी नहीं। रुक, अभी इसको मैं कुएं में फेंक कर आता हूं। आओ, मेरी बात सुनो। और साईं, वो मूर्ति तो मैंने कुएं में फेंक दी थी। कान्हू जी, भगवान को भक्त से कोई दूर कर पाया है? ओ हरि के नाम की चले निरंतर धुन, यूं ही मन में सुबह हो शाम। Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Kr
अपनी पत्नी की अमानत इन्हें सप्रेम वापस कर दीजिए। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा राम जी भला करे। इतना भी कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी बोल रहे हैं। और उसके बाद उस बैल ने तुम्हारे बाबा को आम की पेड़ की तरफ खूब तेजी से दौड़ाया और भाऊ का पैजामा फट गया। काका, अच्छा किया जो आप समय निकालकर हमारे यहाँ रहने आए और आपसे बाबा के बचपन की नई नई कहानियां हमें सुनने को मिली। वैसे अगर आप कुछ दिन और यहाँ ठहरते तो हमें और अच्छा लगता। काका, हम भाई तो चचेरे हैं लेकिन प्यार प्यार तो सगे भाइयों से भी बढ़कर है, और वैसे भी इतने समय बाद मिले हैं, बहुत सारी बातें सुननी सुनानी है। सच देवर जी, अगर कुछ दिन और रुक जाते तो हमें अच्छा लगता। वही नहीं, मन तो मेरा भी करता है पर तीर्थ यात्रा का मन बना के निकला हूं। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, यहाँ ठहरूंगा तो और विलंब हो जाएगा। वो तो भाव ने जिद की इसलिए खाना खाने के लिए रुक गया, वरना मैं तो शाम को ही निकल जाता। लेकिन मुझे हर हाल में आज रात को निकलना ही होगा, बैलगाड़ी मेरा बाहर इंतजार कर रही है। जैसा आप ठीक समझे, मैं रास्ते के लिए खाना बांध देती हूँ। ठीक ठीक है काका, लेकिन तीर्थ यात्रा से लौटकर आप हमारे यहाँ ठहरिएगा जरूर। हाँ हाँ, जरूर रुकूंगा। हाँ हाँ, ताकि इसे और कहानियां सुनने को मिले। हाँ। वैसे सुबोध, ये तीर्थ यात्रा जाने का विचार आया कहां से? विचार नहीं भाव, गुरु ने आज्ञा दी और निकल पड़ा। गुरु ने? दरअसल गुरु मंत्र धारण किया है मैंने, बिना कारण पूछे गुरु जी के आदेश का पालन करते हैं हम। वो तो ठीक है काका, लेकिन ये गुरु मंत्र होता क्या है? तात्या, गुरु मंत्र वो मंत्र है जो हमारे गुरु हमें दीक्षा के समय देते हैं। ये एक दर्शन, एक निर्देश, कुछ भी हो सकता है। ये समझ लो तात्या, जब तक शिष्य को गुरु से गुरु मंत्र नहीं मिलता तब तक शिष्य का जीवन सार्थक नहीं होता, क्योंकि गुरु शिष्य के संबंध की ये सबसे महत्वपूर्ण औपचारिकता होती है। मैं तो कहता हूँ गुरु मंत्र के बिना गुरु का होना ना होना एक समान है। सही कह रहा हूँ ना भाव? अभी सुबोध, मैं तो ठहरा सीधा साधा किसान, ये गुरु दीक्षा गुरु मंत्र वाली बातें मेरे तो समझ में नहीं आती, मुझे तो बस साई समझ में आते हैं। गुरु मंत्र वो मंत्र है जो हमारे गुरु हमें दीक्षा के समय देते हैं। ये एक दर्शन, एक निर्देश, कुछ भी हो सकता है। ये समझ लो तात्या, जब तक शिष्य को गुरु से गुरु मंत्र नहीं मिलता तब तक शिष्य का जीवन सार्थक नहीं होता, क्योंकि गुरु शिष्य के संबंध की ये सबसे महत्वपूर्ण औपचारिकता होती है। मैं तो कहता हूँ गुरु मंत्र के बिना गुरु का होना ना होना एक समान है। काका ने कहा गुरु मंत्र के बिना गुरु का होना ना होना एक समान है। इस गांव में हम सभी साई को दिल से गुरु मानते हैं,
लेकिन साई ने तो हमें कोई गुरु मंत्र नहीं दिया, क्यों? साई